उनके यहाँ कमरा खाली है। अरे कमरा नहीं, उनका दिमाग भी खाली है। वो गोवा में पुलिस इंस्पेक्टर थे, एक चोर ने सर पे डंडा मार दिया, तब से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है। तो वो क्लॉट जहाँ रुकता है वो हिस्सा बेकार हो जाता है। तो कभी अंधे होते, कभी बहरे होते, कभी गूंगे होते, देखते आज क्या है। आज अंधे है। मैं नहीं मानता। आप अभी मान जाओगे। दे रहे दुक्कल साहब, वो तो देख रहे हैं। वो नहीं देख रहे, आप देख रहे हो। अभी बताता हूँ, रुको। कब बख्शो, आज अंधा हूँ तो मारते हो? कल जब दिखाई देगा ना तो तुम में से मोहल्ले में एक भी दिखाई नहीं देगा। हाँ अब आ गया यकीन, रुक जाओ। अरे अच्छा वो तू आ गया, सुबह से चाय नहीं पी है। ला एक आधा लीटर दूध दे दे। क्या हुआ, दूध खत्म हो गया बंसी? जी मैं बंसी नहीं हूँ, समीर हूँ। अरे माफ करना, मैं आपको अपना दूध वाला समझा। ये हेडलाइट कब बुझ गई चाचा? तुझसे क्या मतलब, तू कोई डॉक्टर है क्या? चल दूध दे। अरे मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं राज हूँ, ज्योतिषी पंडित। अरे ज्योतिषी पर ये तेरा मुँह इतना बड़ा कैसे? अरे मुँह नहीं है तो बैग है। अच्छा मुँह ये है, पचक जाओगे चाचा। कैसे आना हुआ, क्या काम है? काम मुझे, मेरी नौकरी बीच रिसोर्ट पे लगी। हाँ। शर्मा जी ने आपसे बात की है कमरे के बारे में ना? हाँ, हाँ तो आओ ना, मैं कमरा दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ तुम्हारा कमरा। हाँ। ऐसे यहाँ से ऊपर जाओ, सीधे हाथ पे तुम्हारा कमरा है, जा। चाचा यहाँ कोई कमरा नहीं है। नहीं है? रात को तो देख के सोया था, सुबह आँख गई तो कमरा भी गया। नमस्ते। ओफो आप गलत जगह दिखा रहे, कमरा वहाँ है। वहाँ कहाँ? यहाँ। चलिए बाहर निकाल रही हो, अंदर ही जा रहे हैं। चलो, कमरा बाद में देख लूंगा, पहले किराए की बात कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ 2,500 रुपए दे सकता हूँ। और मैं कम से कम 5,000 लूंगा। मंजूर है तो बोलो वरना चलो बाहर, चलो। अरे मैं हूँ बाबा। तुम कहाँ बीच में आ जाती हो बार बार। एक काम कीजिए चाचा, 2,500 में इनको आधा कमरा दे दीजिए, बाकी का आधा कमरा 2,500 में किसी दूसरे को दे देना। तो क्या ये बंसी भी साथ में रहेगा? मैं बंसी नहीं हूँ। तो फिर नाराज क्यों होता है, ला आधा लीटर दूध दे दे। अरे मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं राजी हूँ ज्योतिषी। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, जाके लोगों की कुंडली देखना यार, जा। मैं जब तक समीर को कमरा दिखा दूं। चल समीर। अरे बाबा मैं हूँ। अरे यार ये समीर कहाँ है? यहाँ हूँ दुक्कल साहब। चल चल। अबे मेरी कुंडली पैदाशी खराब है, तेरे पढ़ने से ठीक नहीं हो जाएगी। अब आगे और कितनी खराब है वो देख रहा हूँ। क्या ये समझो, अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड? हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है, इससे भी बुरा। अरे जिस बृहस्पति को सबसे ऊपर होना चाहिए वो एकदम नीचे पाताल में चला गया है, और चंद्रमा जिसको सातवें घर में होना चाहिए वो बेघर हो गया है, और ऊपर से शनि आने वाला है। तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया। हाँ चला गया था, लेकिन लोगों की जिंदगी में शनि दोबारा 7 साल तक नहीं आता है, पर तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है। Wicked Sunny, I'm not funny, I'm a wicked Sunny. हाँ मेरी कुंडली में कुछ भी पॉसिबल है। ये समझो कि रास्ते में है। और मेरे रस्से लगा देगा? हाँ, ये शनि तुम्हारी जिंदगी और कुंडली दोनों को घुमा देगा, तूफान की तरह आएगा वो। Wicked Sunny, क्या बोलता है जाने? Wicked Sunny. मेरे गणित के हिसाब से वो इस घर में, इस कमरे में तुम्हारे साथ रहेगा, और रानी के दिल के दरवाजे पर दस्तक देगा। टक टक। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी, सनी। हाँ अंकल का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है, भाई निकलो यहाँ से। ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, इसे कहो मेरा मुंह ना लगे। अंकल इतने चुप क्यों हैं? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है। बात को तू चुप कर। अंकल जी मैं सनी खुराना साहब का बेटा। कौन खुराना? कौन खुराना जरा बताना। गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है। हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती है, और नुक्कड़ पे आकर वो मुड़ जाती है। दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती है। और कहा जाती है बोलो? तुम बोलो। सीधे इनके यार के घर पे। कौन यार? खोसला साहब। अभी तो खुराना बोला। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू।
टेस्ट कर रहा था। अंकल जी आप जानते हैं जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका। अंकल लौंडा ये भी झूठ। देखो सच सच बताओ यहाँ क्यों आए हो। जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता यहाँ से जाओ। अंकल जी हाँ वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता यहाँ से जाओ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं देखो। अब बोल यहीं पे रुक जाओ। हाँ। चलिए आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं। आंटी जी रिश्तेदार तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी 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 नहीं शनी। ए तू चुप रे चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आऊँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता वो आंटी को क्या बताएंगे। आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रुपए, ये 9,999 रुपए भी लो, संभाल के रखना और मैं जरा थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो। दूसरे मोहल्ले में चलो मैं छोड़ के आता हूँ। हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर। कमरा अच्छा बुड्ढे का। हाँ लेकिन आधा तेरा आधा मेरा है। अबे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे तू आधी आधी क्या बातें करता है? कभी तू यहाँ सो कभी मैं वहां सो कभी एक दूसरे के ऊपर सोएंगे, भाई भाई मिलके सोएंगे। हाथ में लगा मुझे अच्छा नहीं लगता। आधा किराया दिया है आधा मेरा ना, ये साइड तेरा ये साइड मेरा है। अच्छा वैसे तो है कौन सा साइड? अच्छा गले तो मेरे। नहीं नहीं मैं लौंडो के गले नहीं लगता। अच्छा इतना इतरा रही है तू? जो भी समझना है समझ। अच्छा सुन ये जो तेरे गुल्लक है तेरे भगवान है इन्हें भी तो वहां ले जा। भगवान में तेरे मेरा नहीं होते, भगवान सबके होते हैं इक्वल। और सुन बंटवारा कमरे का हुआ है दीवारों को नहीं, भगवान यहाँ से नहीं लेंगे। तो ये जो मैं पोस्टर लाया अपने बैग में ये कहाँ लगाऊंगा? जहाँ मर्जी मैं लगा दे यहाँ से भगवान नहीं लेके। सुन आइडिया दूं बाथरूम में लगा बाथरूम में। यार तेरे में इतना गुस्सा क्यों है? कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख ये बोलने में भी गुस्सा हो रहा है। अरे फिर से बोलता कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ? देख कमरा कितना गर्म हो गया है खिड़की खोलनी पड़ेगी। खिड़की मत खोल। क्यों? बू आती है वहां से। मैं भी तो देखूं बू कैसी लगती है। पैसे आधे पैसे दिए आधी खिड़की तो जरूर खोलूंगा मैं। और तू मेरी साइड पे खड़ा तेरे गले भी मिलूंगा। मैं क्रॉस हो जाता हूं। सारे गणित लगा दिए भगाने के। नजारा है। अच्छा समीर जानबूझ के दरवाजा बंद रखता था कि मैं ना कुछ देख सकूं, लेकिन हम भी वो हैं जो दूर से बू को सूंघ लेते हैं। क्या माल है यार? माल मत बोल तू उसे। क्यों तेरी कोई लगती है क्या? नहीं ये शरीफों का मोहल्ला है और बाय द वे ये बहुत शरीफ नेक और पाकीज़ा किस्म की कन्या है और कर्नल की बेटी है, वो सुनेंगे तो तुरंत गोली मारेंगे। हाँ। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा छोटे सीने पे। दूरबीन रख नहीं तो मैं कर्नल साहब को बोल दूंगा। बोल दे। तू शराब पी रहा है? तुझसे कहा था ना कल शराब मत पीना। रुक अभी मैं दुग्गल साहब को बोलता हूं। उसको भी बोल दे। रुक रुक तू दुग्गल साहब कौन है वे? आप यहाँ बैठकर शराब पी रहे? यहाँ बैठ के नहीं पीऊ तो क्या छत पे बैठ के पीऊ? गिर गया तो इस वक्त आप शराब के नशे में। मैं आपसे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपसे कल सुबह बात करता हूँ। दिखाई तो सुबह से नहीं दे रहा है, फिर क्या फर्क पड़ता है? आप इस बेचारे की बात का बुरा मत मानो, ये आपकी बोतल पकड़ो आप। ये लो। देखा एक ये किराएदार है तू है। तूने आज तक एक सड़ी चाय नहीं पिलाई, ये मुझे एज भी करा रहा है मालूम? कहाँ लेके जा रहा है? अरे मैं भूल गया बिजली के पास चलना। चलो हाँ। चलो 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 उधर नहीं उल्टी साइड। मत जाइए बहुत बुरी आदत है। हाँ, मत जाइए।
ये अपना तामझाम उठा के लेके जा। तामझाम उठाने की बातें कर रहा, जवाब दीजिए। मत उठा, ये हमारा घर है, ऑर्डर देने वाला ये कौन है? फिर मैं ये सब फेंक दूंगा। सरकार उठाइए और बाहर फेंक दीजिए। ये फेंक।